उसमें आपको डायरेक्ट यहाँ पे पीआर मिलती है, या आप सीनियर की अगर आप चाहो तो आप सीधा वर्क वीजा लगवा लो। सो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सब? आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो वी बैक विद अ न्यू वीडियो। सो आजकल भाई साहब बैठ के वीडियो बनी जा रही है क्योंकि जॉब में बहुत ज्यादा बिजी चल रहे हैं, तो और कमेंट भी बहुत सारे आ रहे थे कि ये वो, तो आज तुमने टाइटल और तुमने देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको जानना है ऑस्ट्रेलिया के वर्क वीजे के बारे में और समथिंग लाइक दैट, देन यू आर एट द राइट प्लेस। स्टे ट्यून्ड, हम आपको सब कुछ बताएंगे स्टार्ट से लेके एंड तक कि कैसे वर्क वीजा मिलता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या ईच एंड एवरी थिंग। हाँ जी, तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरे पास इंस्टा पे, यूट्यूब पे, मेरे पास पर्सनल मैसेज भी आते हैं कि भाई वर्क वीजा का क्या सीन है। तो पहले तो मैं तुम्हारी ये बात क्लियर करूँ कि इंडिया से वर्क वीजा कैसे लगता है, उसके भी डिफरेंट प्रोसेस हैं। वो इतना ईजी नहीं होता है, वो उसमें आपको डायरेक्ट यहाँ पे पीआर मिलती है या आपको यहाँ पे स्पॉन्सर करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में काम करते हैं, जो बहुत ऊंची पोस्ट पे होते हैं इंडिया में, लाइक डिफरेंट, मेरे को इतनी ज़्यादा इसकी नॉलेज नहीं है, बट हाँ अगर आपकी 3-4 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास और अच्छी आपने कोई स्टडी करी है वहाँ पे, और तब आपको यहाँ पे या तो कोई स्पॉन्सर करे या आपको कोई कंपनी में मिले, देन आपको सीधी पीआर मिल जाएगी। तो इंडिया से वैसे डायरेक्ट, जैसे हमारे जैसे इंडिया पाकिस्तान से दुबई का सऊदी अरब का डायरेक्ट जो वर्क वीजा मिलता है, तो वैसे ऑस्ट्रेलिया का कोई भी सीन नहीं है कि अगर आप चाहो तो आप सीधा वर्क वीजा लगवा लो। कोई भी अकॉर्डिंग टू मी कोई ऐसा सीन नहीं है, अगर होगा तो आई डोंट नो। तो जो हमारा मेन पॉइंट है, लाइक मेरे को वर्क वीजा मिल गया है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, तो मेरे को कैसे मिला है, क्या है, तो उस बारे में हम बात करते हैं। तो मेरे को यहाँ पे आए भी 3-4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए होंगे। तो पहले तो आपको यहाँ पे स्टडी करनी होती है, तो जो आप स्टडी करते हो, जैसे मैं आया था, मैंने पहले यहाँ पे डिग्री करी, उसके बाद मैंने ट्रेड कोर्स किया था, क्योंकि फिर मैंने वो बीच में चेंज कर दी थी अपनी स्टडी। तो उसके बाद अभी मैंने अपना ट्रेड कोर्स कंप्लीट किया है। ट्रेड कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है वर्क वीज़ा, उसके भी काफ़ी चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो आपको, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आपको पूरी करनी पड़ती हैं। जैसे कि उसमें आपको पहले तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको 2 साल की स्टडी होनी चाहिए। तो ट्रेड कोर्स ये होता है, ट्रेड कोर्स में जल्दी पीआर मिल जाती है। जैसे जो अगर हम डिग्री करते हैं उस पर हम पीआर के लिए लेते हैं, वर्क वीजा लेते हैं, दैट्स वेरी बिग प्रोसेस एंड थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हार्ड होता है स्टूडेंट्स के लिए, यूनिवर्सिटी की फीस भरना या ये सब लेके। तो मैंने लिया था ट्रेड कोर्स, तो मेरी स्टडी भी कंप्लीट हो, तो 2 साल का मेरे को मिला है वर्क परमिट। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए आपके पास जो भी आपने स्टडी करी हो उसके आपके पास 360 घंटे का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब 3 से 4 महीने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होते हो वर्क वीजा अप्लाई करने के लिए। 2 साल की स्टडी और 3 महीने का, मतलब 360 घंटे जितने दिन में हो जाए, 360 घंटे का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 38 आवर्स आप एक वीक में कर सकते हो। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि आपको उसके बाद, लाइक वर्क एक्सपीरियंस 360 घंटा, उसके बाद भी आपको PTE या IELTS की नीड होती है। 6 बैंड चाहिए होते हैं नॉर्मली, आप उसमें अपनी TR डाल सकते हो। यहाँ पे हम टेम्परेरी रेजिडेंस से बोलते हैं, TR वीजा बोलते हैं 485, जो कि जिसे हम वर्क वीजा कहते हैं, और जैसे आप वर्क वीजा कह लो या TR, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में उसे TR बोलते हैं। तो बेसिकली ये आपको मिलता है वर्क वीजा, जो आपने स्टडी करी इस पे आपने काम करना है। तो इस ये मिलता क्यों है, इसका क्या काम होता है? तो बेसिकली ये होता है कि आगे ये PR के लिए होता है कि आपको उसमें अपना एक्सपीरियंस करना होता है, एक्सपीरियंस करोगे PR के एलिजिबल हो जाओगे। अगर आपको PR के लिए कोई भी टॉपिक चाहिए, कोई भी वीडियो चाहिए, तो पूरी PR के मैं प्रोसेस बता सकता हूँ, आप नीचे कमेंट कर देना, मैं उस पर पूरी वीडियो बना दूंगा। तो इस पे लाइक इसमें नॉर्मली है कोई वर्क वीजा इंडिया से, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि भाई इंडिया से वर्क वीजा कैसे मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, की ऐसा कुछ सीन नहीं है, जो भी है ये एक्सपीरियंस के बेस पे मिलता है वहां से, वो भी आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर करती है या कुछ भी करती है, देन ऐसे कोई भी सीन नहीं है वर्क वीजा का। तो बस यही है दोनों का सीन है कि इंडिया से भी अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ पे जॉब वगैरह करो, अच्छा एक्सपीरियंस लो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में, और अपने आपके अकाउंट पे सैलरी आनी चाहिए, मतलब वो तो सबसे मेन है, उसी से तो आपका होता है कि आपको पैसे आ रहे हैं, कि आपकी जॉब चल रही है कि नहीं चल रही है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि इंडिया से वीज़ा, वर्क वीज़ा कैसे मिलता है, और ऑस्ट्रेलिया का कैसे मिलता है कि आपको 2 साल की स्टडी करनी है और उसके बाद 360 घंटे का एक्सपीरियंस करना है। पहले अभी बीच में 2-4 महीने के लिए बंद हो गया था 360 वाला, अब फिर से जुलाई से इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो 360 घंटे एक्सपीरियंस कर लिया PTE या IELTS करके,
तो आप वर्क वीजा के लिए एलिजिबल हो जाते हो। 2 साल का वर्क वीजा के बाद आपको अपने पीआर की तैयारी हो गई आपकी, तो ठीक है, वरना आपको फिर से स्टूडेंट वीजा मिल जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है थोड़ी सी भी, तो मेक श्योर गिव अस अ बिग थम्स अप एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड कमेंट जरूर कर देना नीचे, जिस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए। तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं, मिल के चल करते हैं, बाय बाय। और रात के 11-12 बजे, 11:30 बज गया अभी, 11:30 बज गया अभी, 11:30 बजे मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि अभी मैं जॉब से आया और 75 डेज का चैलेंज लिया, तो वीडियो भी बनानी पड़ती है, तो कल मेरे को जॉब पे भी जाना है, तो अभी एडिट करके मैं कल के लिए अपलोड करूंगा। तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं, मिल के चल करते हैं, बाय बाय, पीस आउट, बाय।